हेलो जी, राम राम भाई, कैसे हो सारे? फिर से स्वागत है भाई आप सबका व्लॉग में। प्लीज़ व्लॉग देखते रहते लाइक करना, नहीं होता चैनल सब्सक्राइब करना भाई। आज है संडे, काम थोड़ा लेट हो रहा है, लगभग 10:30 या 11 ही बज गए थे, क्योंकि दोनों बच्चे नहलाए भाई, पहले झाड़ू पोछा, थोड़े से नो है, 7 बजे के आसपास उठी थी, क्योंकि भाई संडे था आज, मैं सुबह इतनी जल्दी उठ कर करना है। और यहाँ भाई नानू का आई थी, बच्चे चले गए दोनों नीचे नहा के, और बस थोड़ा सा कर लिए भाई अपना मेकअप, थोड़ा सा भाई क्रीम लगाई भाई, सिंदूर बिंदी और लिपस्टिक लगाई है, दो तरह की मिक्स करके, एक लगाई है भाई अपनी ग्रीन वाली है जो कोलरा की बोला करें, वो लगाई है नीचे, क्योंकि वो थोड़ी स्मूथ सी हैगी, और ये जो डार्क कलर की है ना, ये कुछ ज़्यादा ही मैट उसमें हैगी मेरी, तो मतलब इस टाइप की है, मतलब होठ पर चिपक जाए, तो नीचे वाला लगा ली मकई, इससे है ना थोड़ा सा इसको स्मूथनेस सी आ जाएगी मकई इसमें, और लगा कर बिंदी, और भाई थोड़ा सा परफ्यूम लगा लिया करूँ कभी, वैसे ज़्यादातर तो मैं पाउडर वगैरह यूज़ करती हूँ, पर कभी कभी लगा लेती हूँ परफ्यूम। और यहाँ भाई अब लगाऊंगी जो जोत के लिए भी लेट हो रही हूँ भाई, फटाफट अपनी थाली है भाई जो ये मांज कर लाऊँगी, और जो भाई जोत हैगी भाई जो यूज़ करी हुई है वो अपने डाल कर रख दूँगी पन्नी में, उससे पहले निकाल लूँगी भैया अलमारी में से चुन्नी, सूट की काफ़ी दिन में पहना है ये सूट, मुझे डाउट था कि इसकी चुन्नी मुश्किल से मिलेगी, और वही काम हो गया भाई, 5 लगभग 10 मिनट में ढूंढती रही इसमें, कदे इधर था, बीच में मैंने वीडियो भी बंद कर दी थी, मगले अब देखूँ फ़ोन की टॉर्च से भी देखी, दिखी ही नहीं, मतलब 5-7 मिनट वेस्ट करने के बाद टाइम, मैंने सोचा कि वो टाइम ख़राब करा भाई, बाद में देखूँ कौन सा वो करना है, तो मैंने इस पर एक रेड कलर की निकाल कर वो ओढ़ ली, और यहाँ मांझ आई हूँ भाई अपनी थाली, और यहाँ अपना गंगा जल का लगा कर भाई छिट्टा और सब को करके भाई टिक्का अपनी लगा देंगे जोत, फटाफट लग रही हूँ, लगभग बाहर भी नू लगा लो, कपड़े धुन लग रहे हैं पापा के, धुले गए थे मेरे ख्याल से, क्योंकि टाइम लेट हो रहा था, बीच में मैंने उस तरह से पानी भर दिया था मशीन में, जब वैसे कपड़े धुन के लिए हो तो मैंने खोल के वैसे बाल्टी भर दिया था पानी, माँ जल्दी हो जाए, क्योंकि कपड़े आजकल सूख ही नहीं रहे, मगर भाई पापा के तो नू हैं, जल्दी ये सूख जाए तो मगर ठीक रहेगा, पर मौसम भी अब थोड़ा सा फ़र्क लगा है पहला था कि जैसे बिल्कुल नहीं सूख रहे थे, अब थोड़े वो सूखने लगे, तो अब यहाँ लगा कर भाई अपनी जोत, और दो धूप बनाऊँगी एक्स्ट्रा, एक तो यहीं लगा दूँगी, एक लगाऊँगी भाई अपने शिवलिंग पे, एक लगा पाऊँगी तुलसी में, तो यहाँ भाई अपने भोले बाबा आएंगे उन पर चढ़ा के जल और लगा के धूप, अब जो बाकी जल अपना भाई तुलसी में करके आएंगे, और यहाँ भाई आ गई थी मैं, अब यहाँ भाई कपड़े धो गए थे, स्पिन ऑन लग रहे थे, तो ये जो पाइप है जो लगा रखा था भाई, जुगाड़ सा कर रखा है मैंने इसका, एक परमानेंट ना फिट कर रखा भाई, तो इस पाइप को हटा के अब इसको टांग दूंगी, और 2-4 मिनट सोचती रही कि क्या करूं, तो फिर मगले करेले ही रखे हुए हैं कुछ, तो मगले आलू का रहता है बना लेते हैं, सब्जी तो मगर फिर कल बना लूँगी आलू की, क्योंकि मंडे को इनको भी तो भाई सब्जी वब्जी देनी पड़ा है, तो फिर आज आलू बनाऊँगी कल फिर आलू हो जाएंगे, तो मगर आज थोड़ा रायता बना लेते हैं, शाम को कुछ और देख लेंगे, चटनी वटनी या भाई कुछ खिचड़ी वगैरह बना लूँगी शाम को। तो अब 2 मोटे मोटे आलू थे भाई, इनको काट कर धो कर फटाफट इनको उबलने के लिए रख दूँगी, और इतने साथ में ही छान लूँगी चून, और पहले तो दे सोच रही थी भाई घिया वगैरह रखा हो तो मगले उसका बना, तो घिया था नहीं मेरे पास, तो आलू थे मगले इससे का बना लूँ अब रायता, क्योंकि आलू का रायता कम ही बनाया करा हूँ, पर वैसे पापा को बहुत पसंद है आलू का रायता, तो मैं चल आलू का ही बना लेती हूँ साथ में भाई, थोड़ी सब्जी भी हो जाएगी और मैं रायता भी हो जाएगा आराम साथ से। भाई बन गया हमारा खाना, सही है, रोटी का दे सारा घी टपका होगा कि सामू बना रहा है, इसने सीत भी लिया साथ में, अरिया मैडम भी सीत ले होगी, हम लेंगे भाई करेले, और तो कोई खाएगा ना अपने करेले, अपने आप पे निमटाने पड़ेंगे, हमने ठंडी हवा चलाएगी, भोले बाबा के गाने तो नहीं, मेरा पार्टी का सामान आ गया है, लुगा ठंडी हवा चल वो वास तेरा जय बोलेगी। क्या कर रहे हो मम्मी? ये जोए रीना पढ़ाई कर रही है। अरे बाउल रीना काट देना ये लगी और सी है ये नहीं लगता है, लक्ष्य काटिए ने लक्ष्य भी काट दे, छीन के भी काट देंगे, बता ही ना सेब काट ले बिना तीर, तू देख लिया बात का सीखा जा लेगा चक्कू लेगा मैं सिखाऊंगी ले जा। अरे उड़ा खड़ा कर दे ना ना सी, ये तेरे काम है ना बेटे, ये बाना गए चल ना कल लाओ ना बंदो को ऐसे नहीं होते
दो तीन किलो हुए लिया वो एक्स्ट्रा ले खुद बाद में बाद में सुन ली हां तो चलो हां तेन है ये अलग से जाए सबसे मैंने तो घर पर टाइम ना लगा फिर अरे एक लिए ना टूटते एक लिए कमाना सीख जाए ना टूट टूट तो ये हम कहीं की तक को ने मैं तो दबा दी अब यही का पापा है खाओ मार दे जाते पानी वाले वाला थोड़ी से बढ़िया लगते हैं बीजू आगे दोबारा बोल दोबारा नीचे पिंजरे पाओगे रे छोटा भी बड़ा भी देख उठा लेंगे एक बार ठीक है मैं लगा दूंगी मैं भूल जाऊं सौ रुपए के सौ के तीन किलो आलू आए हैं हाँ मेरा है लाइट भी जा रही है भाई अपने सुबह ताई बिस्कुट वगैरह ले आऊं ये रुक जा ही मैं देख ले ले आऊं रुक जा ये दाल तस्वीर में गैस पर दूध गर्म करना पड़ रहा है याम भी हो तो दूध ले लो यो रे इट्स या जी ये दे आलू से आई लाइक ता रही है मत ही लखायो बाहर में दुकान की भी हेल्प है फिर आने की हो गया अरे मीटर पे कौन है कई बच्चे की जा हां अपने साइड की तो क्या पी ले या तो है थोड़ी करके लाइन अच्छा बस दूध और दही जमा दो तो बाहर देख के गैस तो चालू कर और जैसा भी जैसा कि आप सबको पता भाई लाइट जा रही थी लगभग नू लगा लो 9:30 बजे लाइट चली गई थी और यहाँ हो गए थे 9:30 रसोई वसोई का भी निपटाया टीवी वगैरह बंद कर रखा था बाहर की लाइट भी बंद कर रखी है लगा लो आज तक एसी चलाया था और 5 मिनट बाद दे लाइट भाग गया आज लेट एसी चलाया ना तो 8 बजे चला लिया करूँ आज वो 35-40 पर चलाया एसी और जब ये 5 मिनट बाद लाइट भाग गई तो कपड़े तो हो रहे थे भाई प्रेस के क्योंकि कल के धोए हुए रखे हैं और पापा के भी हो गए थे फिर मगाई की करूँगी बैठी बैठी मगा फ़ोन भी कितना दिखा तो मैंने सोची एक पूनम के सूट का इनर रहेगा वही साथ में मम्मी ने ला रखा था घर पे तो मम्मी ने इनर भी ला रखा था उसके साथ में तो मगा ले उससे की सलवार कट कर लूँ वैसे तो मेरे पोचे के लिए जो फॉर्म वगैरह है वो भी ख़त्म हो गई है फिर भी मगा चल कट करके रख दूँ टाइम लगेगा जब सिल लेंगे और आप सबको ये बता दूँ कि भाई मैं सोच रही हूँ कि अब मैं सूट सिलनी स्टार्ट कर दूँ सिलाई के काफ़ी दिन हो गए कुछ ना कुछ थोड़ा सा बिजी रहे तो ठीक रहे इस वजह से सोच कर मैंने अब स्टिचिंग स्टार्ट कर दिया है जिसने भाई मेरे वैसे तो मैंने स्टेटस पे लगा दिया था अपने उसमें पर जी जिसके मेरे पास मेरा नंबर नहीं है और जो मेरे आसपास के हैं जो वो व्लॉग देख रहे हैं भाई उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है उनको बता देती हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई सिलवा लेना वैसे आप स्टिचिंग आप देख चुके हो जिस तरह की मेरी है लगभग 1.5 साल हो गया मोस्टली A to Z सूट मैं अपने तो अपने आप पे सिलती हूँ चाहे वो महंगा हो चाहे सस्ता हो और मेरी बहन के भी
ए टू जेड सूट, मतलब सारे मैं ही सिला करूँ, इनर के हो चाहे किसी तरह के हो। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो भाई ज़रूर सिलवा लेना। एक ये सोच के भी स्टार्ट कर रही है भाई कुछ, कि एक बार तो मैं सोच रही थी मैं स्कूल वगैरह ज्वाइन कर लूँ, पर स्कूल ज्वाइन करूँगी तो सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, थोड़ा घर का काम भी हो जाए। अभी छोटा बच्चा जैसे ना, वो तो 12:30 आ जाए, वैसे टीचर्स की टाइमिंग लगा लो 2 बजे अगर बच्चा की छुट्टी हो तो 3 बजे उन फ्री कर लगभग 3:30 हो जाएंगे, तो मगर पूरा दिन ही हो जाएगा। तो इससे बढ़िया मगर कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए भाई, घर पर रह लूँ और थोड़ा सा अपना काम भी हो जाए। तो यही सोच के मैंने सिलाई स्टार्ट करने की सोची है, और सोची कि भाई करूँ तो हुए पर नू है, अब मैं अब तक मैं बाहर के ना सिला करती, पर कोई इंटरेस्टेड हो तो भाई आसपास का हो, व्लॉग देख रहा हो, जिनको पता हो भाई ज़रूर सिलवा लेना। और यहाँ नवू लग रही है अपनी, खटपट खटपट कुछ नवू चक्कर में रह गया कि मैं चौक खा लूँ। और चलो अब मिलते हैं वापसी कल नए व्लॉग के साथ, बाय।